आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। कुमराज थाना अंतर्गत ग्राम पिपलिया में पैसे की मांग को लेकर एक महिला को किया घायल। पैसों के मामूली विवाद पर जितेंद्र नामक युवक ने गायत्री को बुरी तरह मारा और जख्मी हालत में गायत्री ने थाने में शिकायत भी लगाई है। गायत्री और जितेंद्र दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। महिला की शिकायत है कि जितेंद्र उससे पैसों की मांग कर रहा था, मना करने पर उसने गायत्री को मारा। इस आशय की शिकायत लेकर आज युवती कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष गुहार लगाने पहुंची। जांच में ही गलत प्रति वेतन लगाया, जांच करनी है। उसमें असत्ता ये है कि वो उसी दौरान ट्रेनिंग में थे, कोपला से लेकर की तारीख। मुझे घर बैठे मारना है जितेंद्र है और काका लड़का पैसे लेके जीत लाने। कुदरत का खेल भी निराला है, ऐसा ही एक नज़ारा आज देखने को मिला। गुना में जब एक कोने में तो जमकर मूसलाधार बारिश हुई, वहीं दूसरा कोना सूखा पड़ा रहा। आज हनुमान चौराहे के उस तरफ तो झमाझम बारिश हुई, वहीं जैस्तम चौराहे से लेकर बाईपास तक सूखा पड़ा रहा। हालांकि मौसम में बदलाव आज देखने को भी मिला। इस वर्ष नवरात्रि के महोत्सव पर भक्तों को होंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन। वैष्णो देवी झांकी समिति के सदस्यों द्वारा हुबहू वैष्णो देवी के दर्शन भक्तों को कराने के लिए बूढ़े बालाजी पर विशाल झांकी लगाई जा रही है। जिस तरह से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गुफा से होकर गुजरना पड़ता है, उसी तरह का रूप इस झांकी को भी दिया जा रहा है। झांकी के सभी भक्त जोर शोर से इस निर्माण में लगे हुए हैं। इस झांकी में जैसे माँ वैष्णो देवी के दर्शन वहाँ सभी भक्तों को होते हैं, सेम उसी प्रकार का दृश्य दिखाया जाएगा। और इससे पहले इसी प्रकार की झांकी पुरानी छावनी वार्ड नंबर 8 जोगी मोहल्ला रोड पे 3 साल हम ही लोगों ने, सभी सदस्य लोगों ने, इसी टीम ने वहाँ लगाई थी, लेकिन वहाँ जगह की कमी के कारण ये झांकी वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करी गई है। जय माता। राधोगढ़ और कुमराज कस्बे को आपस में जोड़ने वाला पार्वती नदी पर बना डैम लोगों की जान के लिए बना खतरा। यह डैम ब्रसंगपुरा और भमावत गांव के बीच में पड़ने वाली पार्वती नदी पर बना है। इस डैम से ग्रामीण और स्कूली छात्रों व अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस डैम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वे निकल सकें। मजबूरी में ना चाहते हुए स्कूल के छात्र व अन्य लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस डैम को पार करते हैं। इतना ही नहीं, लोग अपनी जान पर खेलकर डैम के ऊपर एक लकड़ी की पटिया रखकर उस लकड़ी की पटिया के सहारे अपनी मोटरसाइकिलों को भी निकालते हैं। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है, पर इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ब्रसंगपुरा और भमावत गांव के बीच पड़ने वाले इस पार्वती नदी के डैम पर ऊपर से हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग निकलते हैं, क्योंकि इस डैम के अलावा निकलने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जवान पुरुष तो इस डैम के ऊपर से कूदकर निकल जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग और महिलाओं को इस डैम के ऊपर से निकलने खतरे से कम नहीं। कई बार तो इस डैम को पार करते समय यहाँ लोग घायल भी हो चुके हैं। पुल न होने से ग्रामीण व अन्य लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो इस डैम को सालों से ऐसा ही देखा जा रहा है, आज तक भी इस पार्वती नदी पर पुल नहीं बना। पार्वती नदी का डैम ब्रसंगपुरा गांव और भमावत गांव के बीच पड़ता है। यहां देखने लायक बात यह है कि इस पुल पर जो व्यक्ति पटिया लगाता है
वह यहाँ से निकलने वाले व्यक्तियों से, छात्रों और महिलाओं से पैसे लेता है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन आखिर कब तक आंखें बंद कर बैठा रहेगा। ये पुल बन जाए तो बढ़िया, भमावद का पार्वती का हमें बहुत आफत है, हर चीज में दिक्कत है, लोग बाग कूद जाते हैं, हमें तो परेशानी आती है, तो साहब बनवा दे तो बढ़िया, कैसे निकलेंगे, 20-20 रुपया लेते हैं बड़ी मुश्किल से। और पटिया खराब टूट गया तो मर जा, ईमान से बस कोई की व्यवस्था नहीं है, वाला भी नहीं लगाता ना कहाँ लगाता, शासन से चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं हम, ये चाह रहे कि ये पुल बनना चाहिए पार्वती का। अच्छा हाँ, हमें बहुत दिक्कत है, बहुत आफत है, इतनी सी सरकार मदद कर दे कि ये पार्वती का ले रहे पटिया वालों का, मर्जी पड़े इतने ले ले वो। और गिर गया तो उस दिन से खत्म है, और हम तो हमको तो औरतों को कभी आता ही नहीं कूदना, आदमी तो कूद जाते लेकिन हमको तो बहुत दिक्कत आने जाने की, बिल्कुल बहुत दिक्कत है हमारे लिए, तो अच्छा करे ये पुल बनवा दे तो बढ़िया करे, तो हमारे लिए दिक्कत मर जाएगी, हमारे मोटरसाइकिल वाला हमसे 33 रुपये लेता, तो रोज की कब तक देंगे, पुल पर छोड़ के भग जाता है, कभी पुल पर छोड़ के भग जाते हैं, हम पुल पे खड़ी रहती हैं, चिल्लाती हैं बहुत जोर, सुनते नहीं कोई हमसे, छोड़ के भग जाता है, सब ये सब पार कर देते पहिया वो पील पाया और एक पील पा नहीं कुदाता हमें, नहीं निकालता। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह की रिपोर्ट। आज कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं बूढ़े बालाजी के नजदीक खाली भूमि की, जहां पर नवदुर्गा झांकी लगाने के लिए झंडा गाड़ा गया। वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने झंडे को निकालकर फेंक दिया, जिसके चलते आज सुबह से ही तनाव का माहौल देखने को मिला। पुलिस की बटालियन और वज्र वाहन के साथ मौके पर पहुंच गई, साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल ने व्यापक इंतजाम भी कर रखे थे। हालांकि नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वहां पर कुछ भी अप्रिय घटना होने से रोक ली, साथ ही पुलिस बल की मुस्तैदी भी वहां देखी गई।
बात नहीं है, मैया का त्यौहार आ रहा है, नौ दुर्गा का त्यौहार आ रहा है, झांकी हर साल लगती है, इस साल भी लग रही है। जिला प्रशासन का कहना यह है, पुलिस प्रशासन के कि हुसैन टेकरी के नाम से जमीन अलाट है, हमारे पास कचरे की नकल है, नजूल के नाम से अलाट है। दशहरा मैदान इसलिए सुरक्षित किया जाता है कि कोई अतिक्रमण ना हो। दशहरा मैदान पे भी अभी निकाह हुए, सद्भावना के वातावरण में यहाँ ताजिया भी रखे जाएं, मैया का दरबार भी बने, मिलजुल कर शहर त्यौहार मनाता आया है। शहर में अशांति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि किसकी आपत्ति है वो आदमी सामने आए। अगर मुस्लिम समुदाय का हमारा भाई कोई आपत्ति कर रहा है तो वो सामने आए, जहाँ ताजिए भी रखे जाएंगे और मैया का मंदिर भी आपके नौ दुर्गा के लिए बनेगा, नौ दुर्गा की झांकी बनेगी। प्रशासन का कहना ये है कि ताजिए की ज़मीन है, कहीं कोई रिकॉर्ड में ताजिए की ज़मीन नहीं है, ज़मीन नजूल की है, सरकारी है। हर वर्ष मैया का मंदिर यहाँ बनाया जाता है नौ दिन के लिए, इस वर्ष भी बनाया जाएगा। अगर किसी मुस्लिम भाई को आपत्ति है तो वो सामने आए। और जैसे विवाद की बात तो यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद यहाँ नहीं है और ना कोई विवाद है, ना विवाद प्रशासन करवाना चाहता है, ना कोई विवाद है, ना विवाद रहेगा। और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा शहर आया है, सद्भावनापूर्ण तरीके से। मैं अपील करना चाहता हूँ सभी हिंदू समाज और मुस्लिम समुदाय के बंधुओं से, हिंदू समाज के त्योहारों में आप सहयोग करें और हिंदू समाज आपके त्योहारों में सहयोग करता आया है। मिलजुल कर हम त्यौहार मनाते आए, सद्भाव के वातावरण से हम त्यौहार मनाएंगे। मैया का खूबसूरत एक झांकी लगेगी, वो झांकी को देखने लाखों जनता आती है। और जहाँ कोई ईदगाह के नाम से कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, नजूल के नाम से है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से भी सहयोग करे प्रशासन। जय हिंद, जय भारत, जय। देश में बढ़ता जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की गुंडागर्दी का सिलसिला। हर तरफ चाहे वह कोई छोटा सा कर्मचारी हो या कार्यकर्ता, वह अपने आप को ऐसा दिखाता है कि जैसे वह जिले का मुखिया हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बीनागंज क्षेत्र का। बीनागंज क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष निक्की राजपूत पर आरोप है कि उन्होंने एक परिवार के मकान पर कब्जा कर लिया है और तो और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। परिवार ने उनके डर से मकान खाली तो कर दिया है, बात यहीं थम जाती तो अच्छा था, पर अब उसकी गुंडागर्दी का आलम यह है कि पूरे बीनागंज क्षेत्र में उनको रहने के लिए भी कोई भी किराए का मकान देने को तैयार नहीं है। ऐसा कहना है पीड़ित परिवार का। परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, उस परिवार को कोई भी किराए का मकान बीनागंज में देने को तैयार नहीं। ऐसे में वह परिवार आकर मिला कलेक्टर राजेश जैन से, जहाँ हमेशा की तरह उन्हें मिला सिर्फ आश्वासन। समझ से परे है कि बीजेपी के लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही गुना जिले के बजरंगगढ़ थाने में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर एक नाबालिग युवती को सरेआम मारने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद उस मंडल अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, जिसके चलते ग्वालियर रेंज के आईजी ने तत्काल प्रभाव से बजरंगगढ़ थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया था और उसे लाइन में भेज दिया था। यही आलम बीनागंज में भी है। वहां पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष निक्की राजपूत की दादागिरी इतनी है कि कोई भी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ शिकायत लिखने को तैयार नहीं। ऐसे में पीड़ित परिवार जाए तो जाए कहां? मकान नहीं बना दूंगा, इसे कब्रिस्तान बना दूंगा, इस मकान को ना तुम्हारी लाश से बिछा दूंगा, चलवा दूंगा, ऐसे बोलता मारने के लिए। और जान करने मकान नहीं बना ना मकान तोड़ दिया उसने, अभी मारने एक धमकी दे रहा मेरे बच्चे, मोहल्ले में रहना दूंगा, मोहल्ले में रहने के मना कर रहा, मोहल्ले में किराए से नहीं रहने दे रहा है। कौन? निक्की राजपूत। कौन है ये निक्की राजपूत? रमेश का पुत्र है। नहीं, क्या करते हैं ये? जी नेतागिरी में घुस रही है सर, वो उपाध्यक्ष है, वो काय का? नगर पालिका। अच्छा, तो काय पे कब्जा किया आपके? हमारे मकान पे बना हुआ। अच्छा। बना हुआ मकान। किस जगह बना हुआ है मकान? ये रामलीला मैदान के पीछे, कुमार मुल्ला नंबर वार्ड 10। अच्छा, कितने क्या बना है? फिलहाल मकान ही था, कच्चा था, बना दो मंजिल का, कब्जा कर लिया। रजिस्ट्री आप पे है? मेरा हिसाब का जा रहा है, बस इतना मान है, रजिस्ट्री नहीं है, पुराने बस इतना। हां, बस इतना मान सर। तो कब्जा उन्होंने कर लिया? आप बनाने नहीं देते, धमकी देते मानने की, तो तोड़ दिया उसने पूरा, तोड़ के उसका सामान ही ले लिया सर। बीजेपी पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से। शिकायत करी आपने अभी? शिकायत करी है चार चार बार। तो जीत बोल रहा, हमको नहीं, हम आत्महत्या करेंगे, हम तो मरेंगे, चार ही बच्चों को लेके।
आज ही मर सकते हैं, कोई उम्मीद नहीं हमारी। ममता, ममता प्रजापति देवकुंज मार रहा है, हम कुछ मर जाएंगे, यही हमारा कहना है साहब। त्रिवल प्रसाद राजपूत वो ही राजनीति करते हैं, पर देख जाए नगर पालिका के ये साहब नाटक, मतलब कुछ भी कब्जा नहीं करने देते, मकान बनाया ईंटें पड़ी है साहब, मैंने बनाने दिया बीजेपी से। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।